हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं देसी डॉग चैनल और आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी दिक्कत, उसका बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जी हाँ, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वह समस्या अक्सर सभी डॉगों में होती है, ऐसा कोई डॉग नहीं है जिसमें वह समस्या ना हो। सब में वह दिक्कत होती है, और या कोई नया डॉग लवर है या काफ़ी टाइम से डॉग रख रहा है, तो उसमें जो नया डॉग लवर है उसको ज़्यादा दिक्कत आती है कि वह सोचता है कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, या हमारा डॉग ऐसे कर रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, तो वह ये गलतियां कर देते हैं। इसका आसान सा तरीका है, मैं भी बताऊंगा आपको। आप ऐसे मत सोचना कि हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो सही बात है वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी के सामने जो ये डॉग दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखिए, कितने एक्टिव और कितने अच्छे डॉग हैं। बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मस्तियाँ कर रहे हैं। यह हमारा जोगी है, यह हमारे गुरु है। और इधर की ओर आपको देख सकते हैं शिरजू है। शिरजू एक बार थोड़ा आराम कर रही है, डिसाइड कर रही है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पर यह दोनों अपनी मस्तियों में जुटे हुए हैं। और मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूं कि वह कौन सी चीज़ है, और मैं आपको वह चीज़ लाइव दिखाऊंगा, और करके तो नहीं दिखा सकता पर वह चीज़ दिखाऊंगा कि क्या है और डॉग कैसे करता है, वह दिखाऊंगा। अब मैं आराम से उस जगह पर इन डॉगों जो ये डॉग हैं इनको भी लेके जा रहा हूँ, और आपको भी लेके जा रहा हूँ, और मैं भी जा रहा हूँ वह जगह आपको दिखाने के लिए। तो चलो फिर मैं आपको वह जगह भी दिखाता हूँ, वह चीज़ भी दिखाता हूँ, और डॉगों को भी दिखाता हूँ कि डॉग उस चीज़ को कैसे खाते हैं और वह क्या दिक्कत है, उसका कैसे समाधान है। यह हमारा मोती है, ये इनकी पूरी की पूरी गैंग आई हुई है आज यहाँ पर। चलो फिर मैं आपको वह जगह दिखा देता हूँ, और इनकी मस्तियाँ भरी देख सकते हैं आप, एक्टिव हैं। ये जोगी है, बड़ा ही खुश हो रहा है उस जगह को देखने के लिए, ठीक है। और ये मोती भी हो रहा है, शिरजू भुरू भी हो रहे हैं, और हमारे साथ वो ब्लैक वाइट वाला भी मोती था पर वह उधर भाग गया साला। चलो फिर, आपको काफ़ी टाइम से उस चीज़ का इंतज़ार था, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अभी आप सोच रहे थे कि चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये इसको खाने की कोशिश कर रही है, ये देखें जोगी भी कर रहा है। तो इनमें अक्सर इस चीज़ को लोग कहते हैं कि घास है ये। हाँ, इनमें दो चीज़ें मिक्स हैं, डॉग घास भी खाता है, और जो ये आपके सामने आप ये देख रहे हैं ये है हरा बाजरा है, जिसे बाजरी कहते हैं, पशुओं को डालने वाली, पशु जिसे हरे को खाते हैं वह यह बाजरा है। तो ये बाजरा है, काफ़ी डॉग है जो बाजरे को भी खाते हैं, और काफ़ी डॉग हैं जो हरी घास को भी खाते हैं। जो बाजारों में है वह हरी घास को खाने की कोशिश करते हैं, और जो गाँव में है वह घास को भी खाते हैं और इस बाजरे को भी खाते हैं। चलो फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि किस कमी की वजह से ये डॉग इस चीज़ को खाते हैं। काफ़ी सारे लोग जानते हैं, पर जो नए डॉग लवर हैं या पुराने हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं। और मुझे इस, यह जोगी अपना, तो मैं अब आपको बताऊं तो ये किस चीज़ की कमी की वजह से डॉग इस चीज़ को खाते हैं। ये घास हो, चाहे वह दूब हो, चाहे वह बाजरा हो, ये डॉग इस एक चीज़ के कारण खाते हैं। जब हमारे डॉग के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तब यह हमारे डॉग इसको खाते हैं। जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं डॉग के, तो उस समय डॉग इसको खाता है। और काफ़ी सारे डॉग हैं जिनके पेट में कीड़े नहीं हैं पर वह फिर भी खाते हैं, तो उसका क्या कारण है वह भी बताऊँगा आपको। कि वह डॉग उल्टियाँ करना चाहते हैं, उनका उल्टी करने का मन करता है तब वह इसको खाते हैं, या उसके भी डॉग का मन गिर रहा है, तबीयत खराब है तो वह खाता है। तो आपके डॉग में मतलब कीड़े हैं पेट में, तो ये कैसे पता लगाएं। तो आपको एक मतलब लगभग ज़्यादा डॉग खाता है तो रोज़ खाता है तो उसके पेट में कीड़े हैं, उन्हें आप कीड़े मरने वाली गोली दें, उससे कीड़े मर जाएंगे, आपका डॉग अच्छा रहेगा। या कोई सी डॉग की तबीयत खराब है, ऐसे उसके लिए खा रहा है, या
मन वगैरह घट रहा है उसका, उसकी वजह से खा रहा है, तो उसको आप लस्सी पिलाओ, उसका मुंह खट्टा करो, उसको जो हम दूध पिलाएंगे उससे तो मुँह फीका रहेगा, उसे दही और लस्सी पिलाओ उससे अच्छा रहेगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।